महिलाओं के साथ अक्सर छेड़छाड़ के मामले सामने आते रहते हैं। हमारे भारत में महिला सुरक्षा को लेकर इतने कड़े कानून बने हुए हैं, उसके बावजूद भी महिलाओं के साथ अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे। वहीं अब उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले से छेड़छाड़ी की घटना सामने आई है। यहां सड़क पर टहलने निकले एक शख्स की पत्नी के साथ शराब के नशे में धुत बाइक सवार तीन मनचलों ने छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया। विरोध करने पर मनचलों ने पत्नी के सामने ही शख्स की पिटाई कर दी। फिलहाल शिकायत मिलने के बाद पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पीड़ित का नाम संजय वर्मा बताया जा रहा है। वो स्थानीय भाजपा नेता है और सदर कोतावली क्षेत्र के रहने वाले हैं। रविवार की रात संजय अपनी पत्नी संग टहलने निकले थे, तभी रास्ते में शराब के नशे में तीन लोग बाइक से आए और उनकी पत्नी से छेड़छाड़ करने लगे। जब उन्होंने विरोध किया तो मनचले संजय के साथ मारपीट करने लगे। पीड़ित ने पुलिस को दी शिकायत में लिखा है कि रात में वह भोजन करने के बाद अपनी पत्नी के साथ रोजाना की तरह टहलने निकले थे। इस दौरान बाइक सवार तीन मनचले उनके पास से निकले और भद्दी भद्दी टिप्पणी करते हुए पत्नी को छेड़ने लगे। मनचलों से बचने के लिए जब उन्होंने अपना रास्ता बदला तो वो भी बाइक मोड़ कर लौट आए। इसके बाद विरोध करने पर पिटाई करने लगे। झगड़ा सुनकर अस्पताल के लोग इकट्ठा हुए तो मनचले भाग गए। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर सदर कोतवाली पुलिस ने बाइक सवार तीन अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध छेड़छाड़ और मारपीट करने के मामले में मुकदमा शुरू कर दिया है। घटना को लेकर जिले के SP डॉक्टर कुस्तुब ने बताया कि मामले की शिकायत मिली है, सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है, जल्द ही उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा और उचित कार्रवाई की जाएगी। सरकार महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लाख वादे करती है, लेकिन जमीन स्तर पर सब खोखला नजर आता है। आखिरकार कब महिला सुरक्षा को लेकर भारत की स्थिति बदलेगी? आपकी क्या राय है इस मामले में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।